अभी देख रहे हैं हम लोग विप्रो का चार्ट। देखिए विप्रो में मस्त चार्ट बनाया हुआ है। देखिए अपसाइड मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे होल्ड किया साइडवेज टाइप, गैप डाउन देने के बाद मार्केट डाउन साइड सस्टेन करने को चाह, लेकिन मार्केट यहाँ से पुल बैक लेते हुए जा रहा है। देखिए अगर हम लोग अभी मार्केट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट में देखिए कुछ इस तरह का एंगल बना रहा है मार्केट अभी। ठीक है, तो इस चैनल में मार्केट अभी घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आता है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगेन, इस यहाँ पे सपोर्ट अगेन, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, फाइनली अभी रेजिस्टेंस के आसपास आया है। लेकिन मार्केट उससे पहले ही एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ही मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है, देखिए अगर मार्केट पर फ्लैट ओपन होता है, ये तो सपोर्ट हो गया। इसके नीचे मार्केट जो भी लोग लॉन्ग किए होंगे इसके नीचे उन लोग का एसएल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और अपसाइड थोड़ा भी मोमेंटम दिखाता है, तो नो डाउट मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा। तो अपसाइड मोमेंटम कैच हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देख के हम लोग को लॉन्ग साइड ट्रेड लेने का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट अगर नीचे भी थोड़ा जैसे रिवर बेरिशनेस दिखाता है, ठीक है, अगर बेरिशनेस थोड़ा भी दिखाता है तो हम लोग शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी लॉन्ग साइड का ज्यादा है यहाँ पे विप्रो में। ठीक है, क्योंकि ये चैनल को अच्छा खासा रेस्पेक्ट दे रहा है, वहां से ही उसने एक पुल बैक लिया हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे दे, उसके बाद बुलिश और बेयरिश से देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट के लिए कहाँ ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देता है तो हम लोग नो डाउट लॉन्ग साइड ही एंट्री साइड ढूंढेंगे और वहां से अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे।